हेलो फ्रेंड, मेडिकल डोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बीएससी नर्सिंग के इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी थोड़ी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें साइंस रिलेटेड जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलॉजी सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह में पहुँचने पर जो लगा समय होता है वह कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स 8 मिनट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स, भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं? तो इसका आंसर है भूकंपी तरंगों से, जिसको सिस्माइक वेव्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड्स, जब एक बॉल ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह गति के विपरीत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, जब एक सिक्के और प्रतिध्वनि को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे समान त्वरण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीट्रिक टन के बराबर होता है तो वह 1000 किलोग्राम को एक मीट्रिक टन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 वर्ष के फरवरी माह में होंगे, तो जो 2016 है उसके फरवरी माह में 29 दिन होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर जिसको 4 से भाग दिया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है और वह पूरा पूरा जो वर्ष हो जाता है डिवाइड, तो उसमें 29 डेज होते हैं। अब बाकी जो है हर महीने में 28 के फरवरी होते हैं, और जो चौथा वर्ष होते हैं जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाता है उसमें 29 डेज होते हैं। इसलिए 2016 जो है वह 4 से चला जा रहा है, भाग पूरा पूरा हो जा रहा है, तो इसके वजह से 2016 में 29 होगा, फिर 2020 में 29 होगा और 2024, 28, 32, 36 ऐसे में 24 होंगे, बाकी सब में 28 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 7, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका आंसर है डिस्टेंस, दूरी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8, दाब की मात्रा है, तो दाब का मात्रा kgm-1s-2। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, इसकी SI यूनिट का मूल्य है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1.68 मीटर्स, अर्थात 168 सेंटीमीटर्स कहा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक फुट में होते हैं समथिंग 30 कुछ सेंटीमीटर, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फीट से, तो 150, और जो 6 इंच है तो उसका यहाँ 18 दिया हुआ है, तो लगभग 152-153 हो जाते हैं और 16 उसके, तो इस तरीके से 168 सेंटीमीटर या 1.68 मीटर्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो SI यूनिट का जो मूल्य होता है वह उसे मीटर पे देना है, इसलिए यह मीटर पे 1.68 मीटर आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16.00 U है, इसका परिमाप किलोग्राम में क्रम में बताइए? तो इसका आंसर है 10^-26। क्वेश्चन नंबर 11, एक सहसंयोजक यौगिक 2 परमाणुओं के बीच बनता है जिसका आंसर है विद्युत ऋणात्मक समान होता है वे? क्वेश्चन नंबर 12, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व ज़्यादा धन विद्युती होता है? तो इसका आंसर है वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं? तो इसका आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणुओं से ढील से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरा रहता है, जो वाह्यतम कोष होता है द वैलेंस सेल्स ऑफ द आर कम्प्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो भरे होते हैं बाह्यतम कोष, उसे अक्रिय
गैस या नोबल गैसेस में। क्वेश्चन नंबर 16, अणुओं के मध्य होने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट और शैम्पू में झाग बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो इसे अपमार्जक या डिटर्जेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक है, तत्व के समस्थानिक में होगा, तो इसका आंसर है बराबर परमाणु क्रमांक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 10 मिलीमीटर एथोनिक अम्ल के 10 मिलीमीटर पानी में मिलाया जाता है और उसकी अच्छी तरह से हिलाया जाता है, मिश्रण को कुछ समय के बाद वह ऐसा दिखता है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4th जो चित्र में दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए, तो यह होता है डिसेंट्री या इसको पैचिस कहते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है विटामिन बी एंड विटामिन सी भी। विटामिन सी भी होता है जल पे घुलनशील, ये दो प्रकार के विटामिन, बाकी सब वसा पे घुलनशील होते हैं, डिजोल्व इन फैट्स। नेक्स्ट, किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है, तो यह रतौंधी से जो ग्रसित होते हैं उन्हें कैरोटीन से युक्त दिया जाता है भोजन। निम्नलिखित में से ऐसी विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र में उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो वह नियासिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी में नहीं पाया जाता है, तो इसमें है फ्रेंड्स मसूड़ों से खून बहना जो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दिए गए भोजन के समूह में से कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश, फॉर्टिफाइड्स, दूध और मछली का तेल, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, त्वचा संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट है, शताब्दियों तक अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन के हार्मोन्स तथा की सुरक्षा के लिए लाइम जल में भिगोए हुए मक्के का प्रयोग किया, तो यह होता है पेलाग्या रोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण कार्य के लिए आवश्यक हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो इसका आंसर है रॉबर्ट विटेकर ने। मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है, तो यह उत्सर्जन के लिए होता है जिसमें नेफ्रॉन इसके क्रियात्मक इकाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रक्त दाब मापने के लिए उपकरण का जो उपयोग करते हैं उसे स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोटिक्स को रखा गया है, तो इसका आंसर है 5 में से 4 जगत में। क्वेश्चन नंबर 32, विभिन्न प्रकार के दांत में पाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो दांत होते हैं उसमें स्तनधारियों में पाए जाते हैं, अर्थात मैमल्स में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोमंथी में भोजन का आंशिक पाचन कहलाता है, तो इसे कड़ कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन पथक अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नास्टिल, कंठ ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े, इस क्रम में गति करती है। निम्नलिखित में से स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा को ले जाती है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स यकृत, सिरा या हेपेटिक वैन। क्वेश्चन नंबर 36, तरल का मतलब होता है, तो तरल का मतलब दोनों द्रव और गैस दोनों को तरल कहते हैं। क्वेश्चंस, एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के समान आकार के बॉल पकड़े हुए हैं तो आघूर्ण होता है, तो इसमें आंसर है क्रिकेट बॉल का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आकर्मडीज का सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसका आभासी भार कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, गुरुत्वाकर्षण के
करण त्वरण का मान है, तो इसका आंसर है ध्रुवों का अधिकतम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच गहराई पर पी घनत्व वाले द्रव का दाब है, तो इसका है एच पी जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो यह है यांत्रिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 42, एक मशीन 15 सेकेंड्स में 1500 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी, तो इसे 100 वाट की शक्ति इसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 43, एक फव्वारा पानी जो हवा में ऊंचाई पर प्रो करता है तो क्या, जो पानी पर धनात्मक कार्य करने के लिए बल देता है, तो इसका आंसर है जल्व पंप, वाटर पंप। क्वेश्चन नंबर 44, गाड़ी के टायर में खांचे जो होते हैं वो घर्षण बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मशीन के पहियों में बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, तो यह सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जो वाष्पीकरण में पानी का अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 47, किस पदार्थ की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो यह पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। ठोस वस्तु में ऊष्मा की किस विधि से बदलती है, तो यह कंडक्शन से अर्थात चालन विधि से बदलती है। क्वेश्चन नंबर 49, ऊंचे स्थानों पर पानी ताप पर उबलता है, तो यह 100 सेंटीग्रेड से कम पे उबलता है। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रेशर कुकर से खाना बनाने में कम समय लगता है, क्योंकि जो पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट वन ही समाप्त करता हूँ, पार्ट टू जल्दी ही लेके आ रहा हूँ, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।